हेलो माय क्यूटीज वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति एंड टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ ब्यूटी हॉल फ्रॉम एमेजो तो इस हॉल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं अफोर्डेबल हैं कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैंने पहले से यूज किया हुआ है कुछ एकदम न्यू है जो कि मैं अब ट्राई करने वाली हूँ एंड ये सारे ही जो स्किन केयर एंड बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो विंटर से रिलेटेड है बिकॉज विंटर के टाइम हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है हमारे स्किन के लिए तो so, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है यू एंड एंड विदाउट एनी डिले फल वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ जो का ये balm, इसको मैंने अपने कॉलेज डेज में बहुत किया है so, एकदम ऐसी टाइप की पैकेजिंग है जो की बहुत कन्वीनियंट होती है अपने बैग में अपने पर्स में कहीं भी रख सकते हो एंड दिस इज हाउ द लिबाम लुक लाइक एक प्रॉब्लम है इस लिप बाम में वो ये है कि आपको थोड़ा यू नो दबा के लगाना पड़ता है ताकि अच्छे से उसका प्रोडक्ट आपके लिप्स पे ट्रांसफर हो जाए अदर ही जल्दी ट्रांसफर नहीं होता है एंड दैट्स वाई इट मेक्स इट लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिप बाम है अगर आप निविया का कर ट्राई करो या किसी और ब्रांड का कर ट्राई करो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है बिकॉज टू आवर्स में वो उड़ जाता है या फिर आप कुछ खा पी लेते हो तो वो खत्म हो जाता है बट दिस वन लास्ट फॉर थ्री टू फोर आवर विच इज द द्यूज बिकॉज आपको लिबाम बार बार लगाना ही पड़ेगा चाहे आप कितना भी महंगा लिप बाम खरीद लो आपको बार बार लगाना ही पड़ता है एंड इसका जो शेड है ना वो स्ट्रॉबेरी रेड काइंड ऑफ शेड है ये दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक सो आई लाइक द शेड एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है

हैंड्स ऑन दिस एक्वाजिकल मॉइस्चराइर ये मैं पिछले तीन चार महीने से यूज कर रही हूँ एंड आई कैन से लाइक दिस इज मोस्ट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर इन दर मार्केट बहुत अच्छे से को हाइड्रेट करता है सो मॉस्चराइजर दो टाइप के होते आपकी स्किन को मॉइस्चराइज so, रखता है दूसरा आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है सो दिस इज काइंड ऑफ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ये मॉइस्चराइज नहीं कर रहा है आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है तो so, अगर आपको डूवी जूसी प्लम टाइप की स्किन पसंद है ना तब आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा बिकॉज ये छिप नहीं है इट फील्स लाइक आपने अभी भी फेस को वॉश किया है ऐसा आपकी स्किन पे हाइड्रेशन रहता है एंड इट हैज हाइड्रेशन ऑफ सेवेंटी टू परसेंट विच इज क्वैट बिकॉज मेरी स्किन ज़्यादातर विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाती है लो सा शावर ले लो एंड ये मॉइस्चराइजर यूज कर लो इट इज सो हाइड्रेटिंग सो जूसी एंड इट जस्ट मेक यूर स्किन सो प्लम्प एंड यू नो ग्लासी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है सो दिस इज द टेक्सचर लुक लाइक बहुत ही टेक्सचर है मैंने बोला ना ऐसा लगता है कि पानी से आपने मुंह धुला एकदम वाटर की कंसिस्टेंसी जैसा मॉइस्चराइजर है सो इफ यू हैव ड्राई स्किन स्किन प्रॉब्लम या फिर आपकी फ्लेकी हो जाती है उस पर से पपड़ियां निकलती है तब ये मॉइस्चराइजर जरूर ट्राई करना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिलेंगी वहां जाके परचेस कर सकते हो सो दिस इज द मॉइस्चराइजर यू नीड इफ यू हैव फ्लेकी और ड्राई स्किन सो रिसेंटली आई फाउंड ऑब्सेस्ड विद बॉडी स्क्रब पता नहीं क्यों अचानक से दो तीन महीने से मुझे बॉडी स्क्रब यूज करना बहुत पसंद आ रहा है बहुत ही लग्जूरियस फील होता है प्लस बहुत लीन फील होता है ऐसा लगता है कि डेड स्किन सेल्स एंड जितना भी हुआ है वो निकल गया है तो मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी ट्राई कर रही हूँ तो कुछ मेरे फेवरेट है वेरियंट वनीला गॉड इट स्मेल सो गुड यू स्मेल लाइक अ मिलियन डॉलर परफ्यूम बहुत अफोर्डेबल है लाइक इट इज फॉर थ्री एटी रुपीज और फोर हंड्रेड रुपीज बट विल स्मेल लाइक अ मिलियन डॉलर स्क्रब और परफ्यूम यू कैन से बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका वह नीला का नोट बहुत ही माइन्यूट है मतलब एकदम म्यूटेड टाइप का सेंट है एंड इट इज अगर स्क्रब जब इसको यूज करोगे ना तो आपको स्क्रब जैसा फील तो होगा लेकिन जैसे ही आप उसको अच्छे से यूनो you स्क्रब know, करोगे ये गायब हो जाता है दैट द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट इट एंड दिस इज हाउ द स्क्रब लुक लाइक इसका टेक्स्चर देख लो एकदम सुगरी एक टेक्सचर है एंड इट स्ई लाइक दिस स्क्रब अ लॉट अगर आपको बॉडी स्क्रब बहुत ज्यादा पसंद है या फिर अगर आपने कभी बॉडी स्क्रब ट्राई नहीं किया है देन डू ट्राई दिस वन एक बार इसको ट्राई करो यू विल will... फील सो गुड मतलब स्किन बहुत अच्छी हो जाती है प्लस विंटर के टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि स्किन फ्लेकी होती है ड्राई होती है जगह जगह से ड्राई स्किन निकल रहा होता है तो उसको रिमूव करने के लिए अपनी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाने के लिए आपको स्क्रब करना पड़ता है सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू ट्राई दिस वन यू कैन ट्राई दियर अदर वेरियंट बिकॉज बॉडी स्क्रब की भरमार है एमेजन पे एंड सिंस आई एम ऑब्सेस् विद बॉडी स्क्राइट नाउ आई है माई सेल्फर्ट वन इज इज बॉडी लेवन वनीला वाइप वाला वेरियंट एंड द सेकंड वन इज दियर बनाना वेरियंट इट इज मिन गोइंग बनाना टाइप ऑफ वेरियंट ये ने अभी तक यूज नहीं किया है बट इट स्मेल लाइक बनाना अब बनाना से उतना प्यार तो नहीं है मुझे बट फिर भी काम चला लेंगे हम बिकॉज इट इज स्मेल गुड बट यू नो पैन केक जैसी स्मेल आती है इसमें से तो इसलिए मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है बट ये मैं यूज कर रही हूँ एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू ये मैं यूज करने के बाद बताऊंगी मैंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो की मैं ट्राई करने वाली हूँ तो इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ एंड इसको मैं ट्राई कर रही हूँ सो दिस इज द बेस्ट एंड आई हैव टू वेट फॉर इट लिबम हो गया मॉइस्चराइजर हो गया बॉडी स्क्रब हो गया एंड एक और प्रोडक्ट है जिससे कि मुझे धीरे धीरे ऑप्शन हो रहा है समर के टाइम क्या होता है कि अगर आप बॉडी ऑयल लगा लो तो बहुत गर्मी लगेगी एंड बहुत चिपचिपा फील होगा बट विंटर के टाइम हमारी स्किन खुद ही मांगती है कि बॉडी ऑयल लगाओ मॉइस्चराइज करो मॉइस्चराइजर लगाओ बॉडी लोशन लगाओ तो इतनी फ्लेकी एंड इतनी ड्राई स्किन के ऊपर जब अच्छा कोई बॉडी ऑयल लगाते हो तो बहुत ही यू नो ग्लासी इफेक्ट आता है आपकी स्किन बहुत जूसी दिखती है बहुत हाइड्रेटेड दिखती है सो आई हैव इन्वेस्टेड इन अ बॉडी ऑयल विच इज फ्रॉम प्लम बॉडी लव इन अगेन इट इज इन देरियंट हवाई एंड रुम्बा बहुत सारे मैंने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से इसकी बहुत बड़ाई सुनी है लोगों को ये बहुत पसंद आया मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया लेट्स सी कि ये कैसा स्मेल करता है अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है इट स्मेल लाइक अ परफ्यूम एंड इन सेंसटिक बहुत ही यू नो प्योर वाली स्मेल आ रही है आई डोंट नो हवाई रुमा क्या चीज होता है बट आई जस्ट लाइक द स्मेल एंड इसको ओपन अभी तक नहीं किया है तो इसमें से कुछ भी गिर नहीं रहा है बट बॉडी ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इफ यू हैव ड्राई स्किन अगर जिसकी ड्राई स्किन होती है समर के टाइम बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है वाइट व्हाइट पैचेस देखते हैं ड्राई फिलकी स्किन देखती है तो आप बॉडी ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको बॉडी लोशन नहीं लगाना है तो एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बॉडी ऑयल एंड ये स्मेल लाइक अ मिलियन डॉलर परफ्यूम सो या जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है अगर आपको पसंद है कि आपकी बॉडी अच्छी स्मेल करे आपकी बॉडी एकदम क्लीन रहे एंड यू वॉन्ट टू हैव अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं आपके लिए सो मेकोर यू क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज आपको सारे लेंस वही पर मिलेंगे सिंस विंटर सीजन इज हेयर हमने बॉडी केयर की बात कर ली फेस की बात कर ली लिबा मॉइस्चराइजर बॉडी स्क्रब बॉडी ऑयल बट हेयर भी ड्राई होते हैं विंटर में विंटर में मुझे बहुत ज्यादा हेयर ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है स्कैल बहुत फ्लेकी हो जाता है एंड हेयर एकदम फ्रेश नहीं दिखते ऐसा लगता है कि बहुत दिन से बाल धुले ही नहीं है तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपने मास्क मंगाया जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है बिकॉज मैंने भी इसको यूज नहीं किया है सो इट इज फ्रॉम प्लम इट इज ऑलिव एंड मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर रिसेंटली आई गॉट हेयर कलर डन ऑन माई हेयर इफ यू कैन सी उसके बाद से मेरे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं सो आई वॉन्टेड समथिंग जो की मेरे हेयर को यू नो मॉइस्चराइज रखे फ्लफी रखे ऐसा फील ना हो कि मैंने बहुत दिन से बाल ही नहीं धुले सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव समथिंग सो इसीलिए मैंने इसको पढ़ी

होगा एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है इनफॉर्मटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स है न, उन सबके लिंक्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बिकॉज ये सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं तो आई होप आपको ये जरूरत पड़ सकती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप परचेस कर सकते हो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर